सेक्स थेरेपी क्या है, सेक्स थेरेपी क्यों ली जाती है, लिंग सिकुड़ने का प्रॉब्लम है तो सेक्स थेरेपी काम में आती है क्या, शीघ्र पतन के लिए काम में आती है क्या, ऐसे सवाल लेके लोग हमारे पास में आते हैं। तो मैं इसके बारे में आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। लोग हमारे पास में आते कि भाई हमने दवाई लिया तो फायदा होता है, दवाई लेते हैं वायग्रा, मगर हमको भी दवाई नहीं चाहिए, हमको सेक्स थेरेपी चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, क्योंकि दवाई का एक तो साइड इफेक्ट होता है या फिर दवाई की आदत लगती है, और इनके मतलब इसके सबके लिए मतलब उनको लगता है कि भाई दवाई नहीं होना, एक उनको थोड़ा सा एक ईगो का भी प्रॉब्लम आया था कि मेरे को दवाई लेके करना पड़ता है, ऐसा भी उनको लगता है, मन में एक हीन भावना आती है। फिर हम उनको सेक्स थेरेपी देते हैं। सेक्स थेरेपी कौन से प्रॉब्लम में काम में आती है? नंबर एक, कम कामेच्छा। नंबर दो, शीघ्र पतन। नंबर तीन, नपुंसकता। नंबर चार, अति कामेच्छा। नंबर पांच, कम आत्मविश्वास। नंबर छह, यौन उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया की कमी, मतलब रेस्पॉन्स कम है। नंबर सात, कम उन्मादकता, उन्माद कम हो जाता है। नंबर आठ, परेशान करने वाले विचार सेक्स के। नंबर नौ, चिपचिपा पानी आना। नंबर दस, लिंग का सिकुड़ना। नंबर ग्यारह, वीर्य ना गिरना। नंबर बारह, होमोसेक्सुअलिटी। ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स लेके लोग हमारे पास में आते हैं, तो उनको फिर हमको काउंसलिंग करनी पड़ती है। और काउंसलिंग में क्या है? काउंसलिंग में है स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, जिसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, स्क्वीज टेक्निक, फीमेल ऑन टॉप पोजिशन, फिर हम उनको सेंसेट फोकस कैम बताते, फिर फोर प्ले। सेंसेट फोकस में डिटेल हम उनको काउंसलिंग करते हैं, फिर फोर प्ले होता है, फोर प्ले कैसे करना पड़ता है, आफ्टर प्ले क्या होता है, ये सब वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अलग 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 वीडियोस है कि हम काउंसलिंग कैसे करता है, तो ये सब वीडियोस है, या आप अलग पढ़ लेना, उनकी लिंक भी नीचे दी हुई है। तो इसमें जब काउंसलिंग करते हैं तो उनका इंटरपर्सनल प्रॉब्लम जो है, पति पत्नी के प्रॉब्लम्स, उसके बारे में चर्चा होती है। उनका हो सकता है कि आपस में बेबना हो, बातचीत न हो, एकमेक को नीचा दिखाना, एकमेक के प्रति प्रेम नहीं होना, प्यार नहीं होना, एक दूसरे को नीचा बता के झगड़ा झंझट करते जाना, ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। कई प्रॉब्लम तो ऐसे कि मेरे पास में एक व्यक्ति आया है कि जिनको मतलब एक छोटा सा कमरा उनके घर में है, मतलब एक 200 स्क्वायर फुट का उनका घर है, एक ही कमरा है, और एक ही कमरे में उनकी माँ भी सोती है और ये दो हस्बैंड वाइफ भी सोते हैं। शादी हो के 2 महीने हो गए, बीच में पर्दा भी नहीं है, और अभी वो सेक्स कैसा करते होंगे, क्या करते होंगे, भगवान जाने। और मेरे पास में आते कि उत्तेजना होती नहीं है, और मैंने बोला कि तुम्हारी माँ बाजू में सो रही है, वो उसकी पत्नी जो है कंफर्टेबल नहीं है, और माँ बोले, माँ का उधर जब वो मुंह करके सोती है और हम इधर सेक्स करते हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं आप, ये कैसा क्या सेक्स होगा। बोले गरीबी है, जगह ही नहीं है, पर्दा भी नहीं है बीच में, ऐसे इसमें यह प्रॉब्लम आती है, तो उनको काउंसलिंग करनी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत स्ट्रेस लेके घर पे आते हैं, फैमिली का स्ट्रेस है, बिजनेस का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस लेके आते हैं लोग, तो उनको फिर उस समय उस तरह का काउंसलिंग करना पड़ता है और उनको ठीक करना पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग हम उनको काउंसलिंग सेशन में ज़्यादातर पति पत्नी को बुलाते हैं। उनका दोनों का आपस में कम्युनिकेशन अच्छा होना जरूरी है, मतलब पति ने पत्नी को खुला खुला बोलना चाहिए कि देखो ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम के लिए मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, छुपाते हैं, जितना छुपाया जाता उतना टेंशन दिमाग के ऊपर ज़्यादा आता है, तो छुपाने का नहीं है, क्लियर बात करने की है, क्लियर बोलने का है, तो उसका सहयोग मिलेगा, सहकार्य मिलेगा पत्नी का, और प्रॉब्लम जल्दी अच्छा हो जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ उन्होंने खुला बोल दिया ना पत्नी को, मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, तो लोग अच्छे हो जाते हैं क्योंकि उनका टेंशन ही खत्म हो जाता है। फिर बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं जब परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है ना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, आत्मविश्वास नहीं है, तो बोलते ठीक है आप ऐसा करो, सिर्फ साथ में सोना है और खेलना है, करो ही मत। उनका उतना भी टेंशन निकाल दिया कि करने का टेंशन है, मेरे को इरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, करने का टेंशन है, ऐसा वो निकाल दिया और सिर्फ खेला ऐसा बोला, और करने का नहीं ऐसा बोला, तो वो कर डालते, बोलते हो गया हमारा, क्यों? क्योंकि वो टेंशन निकल गया अभी,
सिर्फ खेलना था, खेलते खेलते रिलैक्स है, इरेक्शन आ गया, कर लिया और ठीक हो गए। तो ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो काउंसलिंग में सब इस तरह की बातचीत होती है। कोई गिल्ट फीलिंग है सेक्स के प्रति, कोई बचपन में कोई दिमाग की उपी है सेक्स के प्रति। हो सकता है कि कुछ लोग अपने माँ बाप का सेक्स देखते हैं, उसको बोलते प्राइमल सीन, और वहाँ से उनको एकदम धौस दिमाग में बैठ जाती है, घबराहट बैठ जाती है, तो उसके वजह से फिर आगे चल के प्रॉब्लम आता है। हो सकता है कि उनको बचपन में उनके ऊपर लैंगिक अत्याचार किया है। तो ऐसे सब बातें निकाल के पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके, हिप्नोथेरेपी करके काउंसलिंग किया जाता है ताकि वो व्यक्ति अच्छा हो जाए। उसके साथ साथ हम उनको रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, 40 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, अल्कोहल तंबाकू का सेवन नहीं करना, नींद अच्छी लेना, ये सब करते हैं तो सेक्स प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो सकता है और ज़िंदगी के आखिरी तक आप सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।